मैं भैंस हूँ, हाथी नहीं हूँ, इसको साबित करने में 20 साल लग जाएंगे। हम अपनी मर्जी से बैठे थे, क्यों हमें उजाड़ा गया? भैंस जिम कहता है कि हम तुम्हें उजाड़ने के मुआवजा भी देंगे और बसाएंगे, दूसरे दिन वो कहता बात गई रात गई। 20 साल मुझे लग जाएंगे भैंस साबित करने में, इंडिया कानून ये है। सामान हमारा लूट लूट ले गई, हमें 10 मिनट का मौका दिया गया, 10 मिनट में रोटी भी नहीं खाई जाती, सामान तो कहाँ लिखाड़ा जाता है? यहाँ तो पुलिस प्रशासन यहाँ ले आती जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो। कोई सुई नहीं है, ये कोई फालतू व्यक्ति थोड़ी है भैया, इनके पास जो ना खाली बैठे हैं, ये तो ये चाहते हैं कि इनको कोई जगह दिलवा दी जाए, ये दुकान पे अपने जाके काम करें। और हम तो हमारा तो हाथ ऊपर उठता ही नहीं है, हम तो साथ में शांति पर है। तो ये कह रहे हैं जी हम कोई दूसरे देश से थोड़ी आए थे, हमें इस तरह उजाड़ दिया गया। दुकानें तोड़ने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना, तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे जी साहब? देखो, जो दुकानें तोड़ी गई थी उनके विरोध में कल से जो व्यापारी है उन्होंने निर्णय लिया था कि ये धरना जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा, और सरकार को इस बात पर व्यस्त करेंगे कि जो ये व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है एक प्रकार से, मतलब जो रातों रात जो दुकानें तोड़ी गई है, और जो ये मान के चलो 25-30-40 साल से ज़्यादा समय से जो व्यक्ति अपने मतलब परिवार का पालन पोषण कर रहे थे उन पर इतना अत्याचार करना ये बहुत गलत है। तो सरकार से निरंतर यही मांग है कि भी जो भी हमारे व्यापारी हैं उनको जो उनके दुकानें तोड़ी गई हैं उनको उचित मुआवजा देकर शहर में उनको मतलब अन्य जगह ये जगह दी जाए या दूसरी जगह देकर उनको स्थापित किया जाए ताकि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। मौके पर उस दिन SDM साहब मौजूद हुए, जब लास्ट में आए तो उन्होंने कहा था कि हम आपको पीछे जो BSNL एक्सचेंज है उसके पास जो है जगह है खाली वहाँ डंडा तोड़वा देंगे, वहाँ पर आप लोगों को खोखा टिका सकते हो। देखो SDM साहब ने कहा था ये तो SDM साहब बता पाएंगे, दूसरी बात ये है कि हमारी तो यही मांग है कि ये नहीं है कि भाई सिर्फ सरकार का विरोध करना है, ये है कि इनका समाधान होना चाहिए, और समाधान का मतलब ये है कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। और अन्य जो आप कह रहे हो कि SDM साहब ने कहा था कि वहाँ जगह दिलवा देंगे या किसी भी जनप्रतिनिधि ने कहा था, तो अगर दिलवा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुई नहीं है, ये कोई फालतू व्यक्ति थोड़ी है भैया इनके पास जो ना खाली बैठे हैं, ये तो ये चाहते हैं कि भाई इनको कोई भी जगह दिलवा दी जाए, ये दुकान पर अपने जाकर काम करें। और जो साथी जो समय सबका खराब हो रहा है, किसी के पास फालतू समय थोड़ी है, तो SDM साहब अगर चाह रहे हैं तो दिलवा दे जगह, ये धरना उठ जाएगा। अच्छा, एक नियम है सरकार ने अभी 12 साल का ऐसा कुछ कर रखा है कि जहाँ पर 12 साल एक साथ अगर कोई व्यक्ति रहता है उसका कब्जा है तो फिर वो मालिकान हक बन जाता है। वो नियम तो बहुत है लेकिन ये हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है इसमें कई बार जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती है, मतलब तानाशाही जब रवैया अपनाया जाता है ना तो सारे नियम ताक पर धर दिए जाते हैं। बाकी अन्यथा इस प्रकार की कार्रवाई हरियाणा में कहीं भी नहीं होती कि जो व्यक्ति 30-40 साल बैठे हुए हैं जिनके पास रसीदे भी हैं जिनके बिजली के बिल के कनेक्शन लगे हुए हैं और उनको बिना बगैर नोटिस के और बिना कोई आपसे तालमेल के जो ना उन्होंने सामान भी नहीं उठाने दिया, इस प्रकार का अत्याचार का आप कहीं देखा है कि कोई व्यक्ति 10 मिनट में सामान उठा देगा? तो ये तो सारे जो कानून है इस पर तो मैं कहता हूँ कि जिन भी अधिकारियों ने कार्रवाई करी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर जिन अधिकारियों ने कार्रवाई करी है उनको जो सजा होनी चाहिए। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर टेंट जो है वो लगाया जा रहा है ना? हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप सर? अजी लोगों धक्का मार के बाहर निकले। हाँ, वो तो हम लाइव कवरेज कर रहे थे यहाँ पर, मौके पर मौजूद थे हम लोग। हमने अपनी दुकान खोलने की कोशिश की थी और वहाँ प्रशासन आ गया, हमें धक्का मार मार के निकाले। हम शांति प्रिय आदमी है जी, हम आज तक किसी से हम तो हमारा तो हाथ ऊपर उठता ही नहीं है, हम तो साथ में शांति प्रिय है, हमारा तो हम तो हम चाहते हैं हमारा समाधान हो, हमारे किसी दुश्मनी थोड़ी है जी। बाकी हमें उजाड़ा गया है, हमें बसाया जाए।
उचित मुआवजा दिया जाए हमें। ठीक हाँ जी बाबू, ऐसा है जी, एक जंगल में आग लगी थी और जंगल में आग लगने के बाद एक भैंस भागी जा रही थी। चूहा बोला भुआ भाजी क्यों जा रही है? अरे बोला हाथी ने मर्डर कर दिया, पुलिस आ रही है, एफ आई आर जो होगी तो मैं इसलिए भाग रही हूँ। बोला हाथी ने मर्डर किया, तू क्यों भाग रही है? और मैं इसलिए भाग रही हूँ कि पुलिस पकड़ ली जाएगी, हाथी समझ गए मुझे, 20 साल मुझे लग जाएंगे भैंस साबित करने में, इंडिया की कानून ये है। तो भाई साहब चूहा भी भागने लगा, बोला बुआ जी मैं क्या करूँ, मैं भागू, दोनों भाग गए। इंडिया के कानून 20 साल साबित लग जाएंगे, भैंस मैं भैंस हूँ, हाथी नहीं हूँ, इसको साबित करने में 20 साल लग जाएंगे, 20 साल तो मैं भीतर पड़ी रहूँगी, इसलिए भाग रही हूँ। तो आपको अपना हक जो है उसको साबित करने में समय लग जाएगा, आपका भी ये कहना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे साफ तस्वीरों में कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा दुकानें तोड़ने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना, और ये जो साथी हैं निवेदक हैं समस्त दुकानदार एवं साथी रेलवे रोड महेंद्रगढ़। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो संबंधित दुकानें थी उनके जो साथी हैं वो तो बैठे ही हैं, लेकिन समर्थन देने के लिए यहाँ पर जो हैं आप देख रहे होंगे कि सुनील रिवासा भी मौजूद हैं और साथ में सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव जी भी हैं। सुनील रिवासा जी से बात करते हैं, साहब बताएं क्या विचार रखेंगे आप अपने इस मुद्दे पर। देखिए पत्रकार महोदय, महेंद्रगढ़ एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और आज यहाँ इस महेंद्रगढ़ में गरीब व्यापारी रहता है, कोई इतना बड़ा पूंजीपति व्यापारी नहीं है, छोटा छोटा दुकानदार है, चाहे कोई चाय दुकान चलाता था, कोई प्रेस कपड़े करने की धोबी की दुकान चलाता था, कोई साइकिल ठीक करने की दुकान चलाता था, कोई बीज की दुकान चलाता था, कोई वेल्डिंग करने का काम करता था, मतलब छोटे छोटे मजदूर तबके के लोग यहाँ इस दुकानों में लगभग 40 साल से बैठे हुए थे। आज इस सरकार ने इनको उठा दिया। हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि ऐसा काम सरकार ने नहीं करना चाहिए, जो गरीब मजदूर के पेट पर लात लग गई, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और इनको अगर यहाँ नहीं तो एसडीएम महोदय ने कहा था कि बीएसएनएल के पीछे इनको जगह दे दी जाएगी, इनके खोखे टिकवा दिए जाएंगे। तो प्रशासन से हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, हाथ जोड़ के भी है, जोड़ी फैला के भी है, और हम शांतिपूर्वक इस धरने पर बैठे हैं कि इनको इनकी उचित जगह दे दी जाए जी, ये हमारी मांग है। ठीक है जी साहब, तो यहाँ अब अनिश्चितकालीन धरने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारे लोग और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे जी। हाँ जी क्या कह रहे थे बताओ। हाँ जी बताओ। तो ये कह रहे हैं जी, हम कोई दूसरे देश से थोड़ी आए थे, हमें इस तरह उजाड़ दिया गया जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे, वैसे शरीर से हम आ पाए जी, क्या करें बताओ। सरकार ने हमें तो ऐसे उजाड़ दिया, दूसरे देश को अपने उजाड़ दिया, या कंती वगैरह इनको तो जेड़ों बटेयों की तरह खातर कराते हैं, हम मजदूर आदमी कमा के खाते हैं, हमें उजाड़ दिया गया, हमारा क्या गुनाह है? हमें पहले कमेटी ने क्यों हमसे पैसे लिए गए, क्यों हमें बैठाया गया, हम अपनी मर्जी से बैठे थे, क्यों हमें उजाड़ा गया? वैश डीएम कहता है कि हम तुम्हें उजाड़ने के मुआवजा भी देंगे और बसाएंगे, और दूसरे दिन वो कहता है बात गई रात गई है, ये कौन सा है, कौन सा हमारे पाप था, कौन सा हमारे जो देश का कानून बिगाड़ रखा था, जो हमें इस तरह से उजाड़ा गया। अच्छा उस दिन के उस रात के बाद एसडीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? हमसे नहीं, लोग बताते हैं उनसे बुझी गई कि भाई आप उनको उजाड़ा था, बसाओगे कान बोल रात गई बात गई। अच्छा। उसी दिन रात ने उसने वहां तो बोली आप कहा था अब सबको 50-50 हजार रूपए दूंगा और दूसरी जगह बसाऊंगा, और दूसरे दिन किसी ने पूछा जब बोला रात गई बात गई। पहले तो कह रहे थे वो डंडा तोड़वा देंगे उधर जो खाली जगह पड़ी है, डंडा तोड़वा देंगे वहाँ बसा देंगे फलाने, फिर आप बात ही नहीं करते, अब बात ही नहीं करते। हाँ हमने ये भी कहा था जी जनाब, एक एसडीएम साहब शहर को बसा के गया, सभी खोखों वालों को जगह दे के गया है, और हमें आप क्यों उजाड़ रहे हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम शरीर से बस या पाए सारी उम्र गुजार दी, हमें कोई मजदूर भी नहीं रख सकता, हम कहाँ मजदूरी करेंगे, क्या खाएंगे, कौन सा गौशाला खोल रखा है सरकार ने, हम वहाँ बैठ जा चले जाएंगे, सबके लिए है, हमारे लिए क्या है जी, हमारा सामान सब कुछ बिखरा है, सब उखाड़ दिया, दुनिया लूट लूट ले गई जी, सामान हमारा लूट लूट ले गई, हमें 10 मिनट का मौका दिया गया, 10 मिनट में रोटी भी नहीं खाई जाती, सामान तो कहाँ लिखाड़ा जाता है, यहाँ तो पुलिस प्रशासन यहाँ ले आती, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो,
ऐसा थोड़ी करता है कोई देश में। इस मंदड़ का कोई मालिक नहीं है जी, इस देश का कोई मंदड़ का खास करके कोई मालिक नहीं है। यहाँ आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, कोई जिए तो जिए, मरे तो मरे। जीतने वाले को तो ये खुशी रहती है तू जीत गया, और हारने वाले को ये दुख रहता है तो हरा दिया, मरने दे साले को। हमारा क्या, हम बताए कहाँ जाएं।